अब तो सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित अब बताओ क्या सुनना चाहते हो। अब कह रहे हैं, प्रभु अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। तो अपना विष्णु प्राण में कह रहे हैं भगवान, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, ये मनुष्य रूप बंधन का ही कारण है। अपना अंतिम उपदेश देके सुखदेव भगवान तो अंतर्त हो जाते हैं। तक्षक आता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में एक ना एक दिन सबको जाना है। चूंकि राजा का तो निश्चित टाइम था 7 दिन, और 7 दिन में ही सबको जाना है। 7 ही दिन सबके लिए बने हैं, इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार और शनिवार, इन्हीं दिनों में सबको जाना है और इन्हीं दिनों में सब आए थे। तक्षक चला तो कश्यप नाम के ब्राह्मण उन्हें रस्ते में मिले, क्योंकि वो सर्प विद्या जानते थे, सर्प का जो काट जाता है उसका निवारण करना जानते थे कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि को वहां से उन्होंने वापिस कर दिया है। तक्षक पहुंचा है परीक्षित के पास और अपना रूप एक फूल में दे दिया है। किसी सेवक से कहा है, राजा परीक्षित को यह फूल पकड़ा दीजिए। राजा परीक्षित ने फूल धारण किया और तक्षक ने ढस लिया। राज की जय। अब इनके ही पुत्र हैं जनमेजय, इन्होंने सर्प यज्ञ किया है, सर्पों की बलि दी है, पर तक्षक नाग नहीं आया। इंद्र के इंद्रासन से लिपट गया। जब ब्राह्मणों ने मंत्र छोड़े तो इंद्र समत गिरने ही वाला था, तो कुछ ऋषियों ने आके इनको रोक लिया कि ब्राह्मण देवताओं ऐसा मत करो, ये सब विधि का विधान है, अपने कर्म के अनुसार से आदमी कर्म करता है, कि जैसा कर्म करेगा बंदे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा आदमी कर्म करता है ऐसा ही फल यहां देता है, कि ऐसा कर्म करेगा बंदे फल देगा भगवान, ये तो गीता का ज्ञान, ये तो गीता का ज्ञान। गीता जी भी यही कह रही हैं, सर्प यज्ञ बंद कराया है और परीक्षित जी परम धाम को चले गए हैं।